डाउट्स पूछने हैं, समझ रहे हो ना, डाउट्स कंपलसरी पूछना है। देखो हर किसी के अंदर एक क्यूरियस छोटा बच्चा होता है, उसको हम समय के साथ साथ मार देते हैं उसको। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके जो क्यूरियस क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके आंसर एक बड़े पंडित के पास भी नहीं रहते। हो सकता है फिजिक्स में बहुत बड़ा पंडित हो, उसके पास भी उसके सवाल नहीं रहते। हम अक्सर बच्चों को चुप करवाते हैं, अरे तेरे को नहीं समझेगा छोड़, अरे कुछ भी पूछते रहता है बच्चा। छोटे बच्चे 5 6 7 8 9 साल के बच्चे का जो डाउट होता है, वो इतना क्यूरियस होता है, उसका आंसर आपके पास नहीं होता है। जैसे बच्चे पूछते, मेरे बच्चे ने कभी, पापा एलियंस होते हैं क्या? मैंने तो नहीं देखा कभी। वो क्यूरियसिटी जो है, वो क्यूरियसिटी है, वो समय के साथ जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, वो खत्म हो जाती है। कारण उसका है, उसके कारण क्या है, हमारी स्कूलिंग सिस्टम, या फिर क्योंकि उस बच्चे के डाउट्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। हालांकि उस बच्चे के लिए वो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट था, उस बच्चे के लिए वो डाउट, उसका छोटा डाउट, वो बोले नहीं पापा ये आकाश, ये बोले स्काई इतना ऊपर है, कितना ऊपर होगा, हमारे पास जवाब नहीं रहता। सर ये स्काई है, उसमें कौन सी चीज से बना हुआ है स्काई, इसका जवाब हमारे पास नहीं होता। मैंने अपने पापा से पूछा था कि मानसून की बारिश और वो जो बारी बाकी वाली बारिश, उसमें क्या फर्क होता है। मेरे पापा ने बड़ा गुस्सा करके बोला, मानसून की बारिश बोले ठीक होती है। अब क्या बोले, मतलब इस तरह से क्या होता है, हम ऐसे उठपटांग सवाल बताते हैं या फिर बच्चों को ना डिसएंकरेज करते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ, या स्कूल में आने के बाद भी किसी बच्चे ने टॉपिक से रिलेटेड, एक किसी बच्चे ने टॉपिक चलते हुए कोई क्वेश्चन को पूछ लिया, कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, तो टीचर भड़क जाता है उसके ऊपर, ज्यादा शाना हो गया क्या, क्लास के बाहर बन जा, है ना, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बना देते हैं उसको, ज्यादा ही पूछता है ये, या फिर ट्यूशन जा रहे हो। मोस्ट ऑफ द कॉमन डायलॉग्स है टीचर की, ये हालांकि होना नहीं चाहिए ऐसा, बिकॉज एवरी 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 स्टूडेंट का जो भी छोटा ही क्यों ना डाउट हो, चाहे इरिलेवेंट भी क्यों ना हो, इट शुड बी अटेंड वेरी इन अ प्रॉपर वे, तभी उसके अंदर डाउट पूछने की क्यूरियसिटी बचते रहती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अक्सर उसके डाउट्स को डिसएंकरेज किया जाता है, धीरे धीरे समय के साथ वो डाउट पूछना ही छोड़ देता है। डाउट्स आ रहे, इसका मतलब आप सोच रहे हो बेटा, कोई भी चीज का डाउट आया तो उसके ऊपर आप सोच सकते हो। एक दिन एप्पल नीचे गिरा, क्यों गिरा ये डाउट आया, तो उसके ऊपर से सोच डेवलप हुई और उसी सोच से जन्म लिया ग्रेविटेशन ने, बराबर है कि नहीं है? अगर सोचा नहीं होता, डाउट ही नहीं आता, तो सोचा नहीं जाता था उसके ऊपर, और सोचते नहीं तो कभी ग्रेविटेशन की खोज शायद लेट ली लगती है ना। तो डाउट करना गलत बात नहीं है, तो कोई अगर बार बार डाउट कर रहा है तो उसको डिसएनकरेज कोई नहीं करेगा, हंसेगा नहीं उसके ऊपर, आप इस पर हंसो कि मेरे को क्यों डाउट नहीं आ रहे, समझ रहे ना। आप हर किसी को डाउट आने चाहिए, डाउट्स कभी सिली नहीं होता है, मेरा कहना नहीं है, एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन का कहना है, एवरी स्टूडेंट शुड बी टीच टू डाउट। क्या है, एवरी स्टूडेंट शुड टीच टू डाउट, एवरी स्टूडेंट शुड टीच टू मेक द मिस्टेक्स। गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, एवरी स्टूडेंट शुड, गलतियां करना गलत नहीं है, एक आना क्वेश्चन नहीं आया, एक आना पेपर खराब गया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला यार, नथिंग गोइंग टू चेंज, है ना। एवरी स्टूडेंट शुड टीच टू मेक द मिस्टेक्स एंड मोर ओवर एवरी स्टूडेंट शुड टीच टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड फाइनली एवरी स्टूडेंट शुड मेक टू हैव हैप्पीनेस या फन वॉट एवर दे आर लर्निंग। अगर आपके लर्निंग में फन नहीं है तो फिर आपके लर्निंग का कोई काम नहीं है, बोझ है बेटा। पढ़ाई मैं बोलता हूं, पढ़ाई बोझ नहीं, पढ़ाई मौज होना चाहिए, ऐसा, पढ़ाई बोझ नहीं, पढ़ाई मौज होनी चाहिए। इतने मजेदार तरीके से पढ़ना सीखो, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, आपको समझ में भी आएगा, और पढ़ाई आपको पढ़ाई नहीं लगेगा बेटा, बहुत मजेदार रहेगा आपका सफर भी, राइट। इसलिए कंसेप्ट को समझो, जितना हो सके उतना दिमाग को सोचने लगाओ। अब ये मैं ये नहीं बोल रहा कि आप आज के आज ही आइंस्टाइन की तरह सोचने लगो, नहीं, आप कोशिश तो करो सोचने की धीरे धीरे, हो सकता है आज कम सोचा, कल शायद आपको और ज्यादा सोचोगे, सोचने की आदत पड़ जाएगी, क्या पता नई सोच से ही नई इन्वेंशन नई डिस्कवरीज आती है बेटा। किसी को फॉलो करने से कभी भी नई चीज नहीं पा जीवन में आप हासिल कर सकते। आपको कुछ नया करना है तो आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, उसके लिए आपको सोचने की आदत डालनी तो पड़ेगी। सर किताब में ऐसा दिया, ऐसा मैंने याद कर लिया, उससे कभी आप नई चीजें नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप IIT एडवांस जैसे एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते। बोल वर्धन, कुछ बोल रहा है। अगर से अपने को लाइफ की फ्यूचर सन की तरफ
लाइट के स्पीड से सन की तरफ जा रहे हो, मात्र 7 मिनट लगेंगे ना, 7 या 8 मिनट, कितना टाइम रहता? हाँ, जिस फ्रेम में हम है गैलेक्सी वाले, वो ऑलरेडी गैलेक्सी का मोशन हमको है ना। अब देख, उस दिन में मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने मेरे हाथ में बॉल है, मैं इसी क्लासरूम में बैठकर एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका, औरंगाबाद से फेंका, राइट। एक बॉल को मैंने यहां से फेंका, औरंगाबाद के इसी क्लासरूम में बैठकर एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका, धरती के किसी भी पोजीशन पर बैठ के अगर मैंने दोबारा उस बॉल को कैच किया, तो धरती के किसी भी कोने से अगर मैं ऑब्जर्व करूं इसको, तो मेरा पोजीशन, मैंने जहां से फेंका वहीं पे आ रहा है वो बॉल, बराबर है ना। औरंगाबाद से फेंका, अगर मैं ब्रह्मांड में किसी पॉइंट के पास बैठकर मैं अगर देखूं, मैंने अगर बॉल को अगर यहां से औरंगाबाद से फेंका, औरंगाबाद उस इंस्टेंट पे जिस पोजीशन पे था ब्रह्मांड में, जब मैंने दोबारा उस बॉल को कैच किया, क्या तब तक मेरी पृथ्वी, मेरा औरंगाबाद, क्या मेरा क्लासरूम यहीं पे रहेगा या कुछ जगह पे जाएगा? तो ब्रह्मांड से देखने वाले को उस बॉल का मोशन कैसा होगा? उसको सिर्फ वर्टिकली जाके नीचे आता हुआ नहीं दिखेगा, वो तो किसको देखेगा? सिर्फ धरती वालों को देखेगा। उसको कैसे लगेगा? क्या उसको फेंकने का पॉइंट और रिसीव करने का पॉइंट एक होगा कि अलग अलग होगा? जरा सोचो, जरा थॉट प्रोसेस बढ़ाओ बच्चों, थोड़ी थॉट प्रोसेस बढ़ाओ, जरा वो थोड़ा सा एक्सटेंसिवली सोचना सीखो, जरा माइंड को अपने एक्सटेंड करना सीखो, धीरे धीरे आपकी थॉट प्रोसेस और डेवलप हो जाएगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके हालों में, मतलब समझ रहे हो ना। तो प्रॉपर डायरेक्शन में सोचो, विजुअलाइजेशन आपका बढ़ाओ, थॉट प्रोसेस डेवलप करो, यही सही पढ़ने का तरीके है। बाकी के तो पढ़ना तो है ही अपने को, मैथ्स अच्छे से डेवलप करो, मैथ्स को समझो, मैथ्स दिखना चाहिए, मैथ्स को सॉल्व करने आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, हमको कभी मैथ्स को समझने की कोशिश नहीं करते। मैथ्स को समझने की कोशिश करो, मैथ्स को देखने की कोशिश करो। मैं बोलता हूं, इस दुनिया में और कोई दूसरी ब्यूटीफुल चीज नहीं होगी, समझ रहे हो, ब्यूटीफुल चीज मैथ्स की बात कर रहा हूं, हंसने लगता है। चलो क्या करने जा रहे, क्वेश्चन करने जा रहे बेटा, इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ओरली कर सकते हैं आप, मैं आपको पढ़ रहा हूं, आपको एक टास्क दे रहा हूं करने के लिए, देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है इरिडो का, अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको, इधर एक रिवर है, व्हाट इज दिस रिवर, इधर क्या है बच्चों, रिवर, और पानी फ्लो है इधर, पानी फ्लो रहा है, पानी फ्लो रहा है, और मान लो इधर एक बोट है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए, राफ्ट मतलब मुझे नहीं मालूम, एक लकड़ी का टुकड़ा मेरे जो फ्लोट कर रहा है उसके साथ, और पानी के साथ ही जाएगा ना, व्हाट विल बी द, एक लकड़ी के टुकड़े को जो फ्लोट कर रहा है उसको पानी में डाला, उसकी स्पीड, पानी की स्पीड क्या होगी, पानी के रेस्पेक्ट में राफ्ट की स्पीड क्या होगी, पानी के रेस्पेक्ट में राफ्ट कैसा दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा ना, पानी और राफ्ट साथ साथ में जा रहे, तो पानी के रेस्पेक्ट में राफ्ट की स्पीड क्या होगी। चलो खैर, क्वेश्चन क्या है देखो, अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम, इधर जा रही है मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम, कुछ वेलोसिटी से जा रही होंगी, और मोटर बोट के बाजू में क्या है, राफ्ट है, अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवर केम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए, राफ्ट इधर है, दिस इज आर, दिस इज द बोट, ये ए पॉइंट के पास राफ्ट मिला उसको, और उसके बाद क्या हुआ, 60 मिनट लेटर, ये 60 मिनट बोट आगे गई, और उसके बाद इसने यू टर्न लिया, 60 मिनट लेटर द बोट टर्न बैक एंड आफ्टर सम टाइम, थोड़ा सा टाइम के बाद, 60 मिनट तो यहां से यहां तक जाने को लगा, 60 मिनट के बाद टर्न लिया, और उसके बाद और थोड़ी देर तक बोट वापस आई, और वापस इधर बोट यहां कहीं तो भी है, और राफ्ट इधर कहीं तो भी, वापस बोट और राफ्ट क्या हो गए, वापस एक दूसरे के साथ मिले, वापस बोट और राफ्ट एक दूसरे के साथ मिले, तो दूसरा मीटिंग का पॉइंट मान लो बी है, पहला मीटिंग का पॉइंट ए है, दूसरा मीटिंग का पॉइंट बी है, पहला मीटिंग का पॉइंट और दूसरा मीटिंग पॉइंट के बीच में जो दूरी है वो है कुछ 6 किलोमीटर, कितनी दूरी है बेटा, 6 किलोमीटर दूरी है, पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच में का दूरी क्या है, 6 किलोमीटर, तो इस डाटा को यूज करके फ्लो की स्पीड चाहिए, क्या चाहिए, फ्लो की स्पीड मतलब किसकी स्पीड, पानी की स्पीड चाहिए। क्वेश्चन में एक बार बता देता हूं फिर से, देखो मैं पढ़ रहा हूं बेटा अभी, अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवर केम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए, 60 मिनट लेटर इट टर्न बैक
एंड आफ्टर सम टाइम पास द रैप्ट एट अ डिस्टेंस 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए, कहां पर है, दे अगेन मेट वेयर एट अ पॉइंट बी, दैट पॉइंट बी इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, 6 किलोमीटर. सो फ्रॉम दिस डाटा वी हैव टू इवेल्युएट द स्पीड ऑफ द व्हाट, वॉटर. हाँ, स्ट्रेट गया बोट, किसके ऊपर, पानी के ऊपर बोट 60 मिनट तक आगे गया, 60 मिनट के बाद टर्न लिया और उसके बाद वापस आया, तो बीच में उसको क्या मिला, रात फिर से मिला, और दोनों पहले वाला मीटिंग पॉइंट और दूसरे वाले मीटिंग पॉइंट के बीच में दूरी है 6 किलोमीटर, तो अपने को क्या चाहिए बताओ. अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले मीटिंग और दूसरे मीटिंग के बीच में का टाइम ड्यूरेशन अगर निकाल लिया मैंने, क्या निकाला, पहले मीटिंग और दूसरे मीटिंग के बीच में का टाइम ड्यूरेशन अगर मैंने निकाल लिया, तो उतने टाइम ड्यूरेशन में राफ्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 6 किलोमीटर, बराबर है ना, 6 किलोमीटर. और वो टाइम अगर मैंने निकाल लिया, अच्छा ये राफ्ट की स्पीड और पानी की स्पीड क्या होगी, तो मेरे पास डिस्टेंस है ऑलरेडी, अगर मैंने टाइम निकाल लिया तो स्पीड आ जाएगी ना, चलो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से. थोड़ा सा हट के करो, थोड़ा सा सोचो, ओरली हो जाता है सोच. वाटर की स्पीड 100 नहीं, सर इधर टर्न लेने के लिए 60 लग रहा, वापस टर्निंग के बाद और कितने टाइम के बाद दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे, ये समझना है. मुझे नहीं मालूम, कहां से देख रहा तू, कहां से देख रहा, ये डिपेंड करेगा ना, सेम वेलोसिटी से जा रहा है मतलब कहां से देखोगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेम वेलोसिटी से जाएगा, वापस रिटर्न जाते टाइम अपस्ट्रीम जा रहा है तो माइनस हो जाएगी ना वेलोसिटी, जाते टाइम स्पीड ज्यादा है, आते टाइम स्पीड किसके रिस्पेक्ट में, अगर पानी के रिस्पेक्ट में सोचेंगे तो क्या होगा, पानी के रिस्पेक्ट में, हाँ पानी के रिस्पेक्ट में, पानी रुका हुआ है, बोट की इंजन सेम स्पीड से जा रही, बोट का इंजन जो है वो कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा, मान लो कार के रोड के ऊपर बैठ के देख रहे हो कार को, कार जाते टाइम जो स्पीड से जा रही ग्राउंड के ऊपर, जाते टाइम जो स्पीड से आ रही, यू टर्न लेके वापस आते टाइम भी किसके रेस्पेक्ट में लगेगा ऐसा, अभी किसके रेस्पेक्ट में लगेगा वैसा, अरे बोट पानी के ऊपर तो सेम स्पीड से जाएगी ना, जाते टाइम आते टाइम बोट का इंजन सेम काम कर रहा, जाते टाइम जिस स्पीड से जाएगा आते टाइम भी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के, पानी के रेस्पेक्ट में, कहां से, पानी के रेस्पेक्ट में, जाते टाइम जिस स्पीड से आएगा आते टाइम भी, क्योंकि पानी अपने आपको कैसा महसूस कर रहा है, पानी के ऊपर कौन चल रहा है, जाते टाइम कितने स्पीड से जाएगी आते टाइम भी, ऐसा कहां से नहीं लगेगा आपने को, ऐसा ग्राउंड से रेस्पेक्ट में जाते टाइम दोनों की वेलोसिटी ऐड हो रही आते टाइम, सब्ट्रैक्ट जाते टाइम ज्यादा स्पीड से जाएगा आते टाइम. मुझे लगता है इस प्रॉब्लम को कौन से नजरिया से करना चाहिए, पानी के रेस्पेक्ट में करो या फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करो, पानी के रेस्पेक्ट में करने का मतलब राफ्ट के रेस्पेक्ट में करना, किसके रेस्पेक्ट में, पानी के रेस्पेक्ट में करना या राफ्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करना, पानी के रेस्पेक्ट में करना और राफ्ट के रेस्पेक्ट में करना एक ही बात है ना, क्यों दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे, अब मैंने पूरा हिंट बता दिया बेटा, आप तो कर लेना चाहिए, किसके नजर से करो प्रॉब्लम, पानी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो पानी आपने को कैसे महसूस करेगी, अच्छा राफ्ट अपने आपको कैसा महसूस करेगा रेस्ट में, तो रेस्ट में आ गया किसी का आंसर, पवार लगाओ दिमाग लगाओ, हाँ? पानी के रेस्पेक्ट में देखेंगे जरा, पानी के नजर से देखो बेटा, हमारे हमारा ना वो क्या बोलते हैं फीलिंग भी डेवलप होना चाहिए, पानी के नजर में देखेंगे तो कैसा जाएगा सच में, वो भी अपने को विजुअलाइज होना चाहिए, तो जाके प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आए. डोंट डू मैकेनिकली, कोई भी चीज मैकेनिकली मत करो. वो कौन है, राजेश्री, हाँ व्हाट्स योर नेम, रुद्राणी, बेटा ऐसा नहीं बैठता, किसी ने सोचा, जो भी सोचेगा ले लो कैडबरी ले लो मेरे से आज के आज. और कुछ चाहिए आदित्य जैसा, सोचो नागरे, सोच दिमाग लगा,
सोचो, दिमाग लगाओ। नहीं, एनीवन? आसावरी, पल्लवी, किसी को भी नहीं आ रहा? वेदांत, पवार, इतना टाइम नहीं दे सकता मैं। हो गया? हो गया क्या? पृथ्वीराज, अद्वैत, सोचो सोचो, जल्दी सोचो। क्या क्या आंसर क्या आ रहा मेरे को बता, बोल बोल। नहीं, तू पहले क्यों डिसाइड कर रही गलत है बोल के? तू बोल तो सही, यहां पर गलतियां करने का पूरा अधिकार है। चलो, बस गलतियों से सीखना भी हमको। थ्री, करेक्ट। कैसे कह रहे बड़ा? हाँ राइट, क्या माइनस? तो रात के रेस्पेक्ट में देखेंगे। देखो बच्चों, इस प्रॉब्लम को किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? जरा, बोट यहां पर है और राफ्ट इधर है। ऑब्वियसली बोट को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दो दो मोशन है, बोट का खुद का मतलब पानी के ऊपर बोट का प्लस पानी के साथ में बोट का, बराबर है। तो टोटल मोशन किसके रेस्पेक्ट में देखेगा? किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। राफ्ट को किसका मोशन है? पानी का मोशन। मैं राफ्ट को रोक देता हूं ना, रात को रुक दिया मतलब पानी पूरा क्या हो गया? जस्ट रुक गया। और पानी रुक गया मतलब पानी के ऊपर रात भी रुक गया, पानी ग्राउंड हो गया। मजा आ रही है ना? पानी क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। और उस ग्राउंड के ऊपर रुका हुआ एक ऑब्जेक्ट हो गया रैप्ट। अब उसको क्या लग रहा है? बोट। बोट अपने खुद के इंजन से क्या हो रहा है? आगे जा रहा। और 60 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद क्या यू टर्न ले रहा है? मुझे बताओ, रोड के ऊपर एक कार 60 मिनट चली, जितना भी दूर चली होंगी उसी स्पीड से वापस आएगी, तो कितना टाइम लगेगा वापस आने में? एक मिनट रुको सब लोग। हाँ, कितना? 60 मिनट जा रही है, वापस आने में भी कितना लगेगा? प्रोवाइडेड व्हाट? जाते टाइम कार का इंजन जैसे चल रहा, आते टाइम भी, जाते टाइम स्पीड क्या होगी? आते टाइम भी। तो जाने के लिए कितना डिस्टेंस है आने के लिए? तो जाने के लिए कितना टाइम है आने के लिए भी? रैप्ट, पानी रुक गया, पानी को ग्राउंड मान रहे, राफ्ट पानी के ऊपर रखा गया ऑब्जेक्ट, और बोट क्या है? ऐसी कार जो जाके स्पीड सेम जिस स्पीड से जाएगी उसी स्पीड से। अरे 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 अरे, ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड, पानी को ग्राउंड मान रहे, पानी को ग्राउंड मान रहे, पानी को ग्राउंड मान रहे। ग्राउंड के ऊपर क्या चल रहा है? कार चल रहा है, कार का इंजन सेम पावर से चल रहा है, तो जाते टाइम क्या स्पीड होगी? आते टाइम भी वही स्पीड होगी ना। तो पानी के रेस्पेक्ट में, राफ्ट की स्पीड में, जाते टाइम जो स्पीड रहेगी बोट की, आते टाइम भी। तो जाते टाइम उसको 2 घंटे लगे, सॉरी 1 घंटा लगा, तो वापस आने के लिए भी, तो 1 घंटे के बाद वापस 2 घंटे के, मतलब पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच में का टाइम कितना हो रहा? ऐसा किसके नजर से देख रहे हो? तो मतलब पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच में का टाइम कितना है? लेकिन ग्राउंड से देखेंगे तो पहली मीटिंग कहां पर हो रही? मैं अभी बता रहा था, यहां से फेंकूंगा तो धरती वालों को लगेगा कि यहीं से फेंका, यहीं पे वापस आया। लेकिन ब्रह्मांड से देखेंगे तो यहां पे फेंका गया, लेकिन कहीं और जाने के बाद मैंने उस बॉल को क्या किया? कैच किया। सिमिलर टू दिस, वेरी सिमिलर टू दिस। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो यहां पर मिले थे पहले और दूसरा मीटिंग पॉइंट, लेकिन टाइम में बदलाव नहीं आएगा ना। यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए फिर? ये पहला मीटिंग पॉइंट और दूसरे मीटिंग पॉइंट के बीच में का टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे। तो 2 घंटे में ये रैप कितना चला फिर वास्तव में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रैप कितना चला? 6 किलोमीटर। कितने टाइम में? 2 घंटे में। तो रैप की वेलोसिटी क्या होगी फिर? 6/2, यानी कितना रे बाबा? 3 किलोमीटर पर आवर। रैप की वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी के बराबर होगी? समझ में? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ व्हाट? वाटर फ्लो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आया क्या? देखो बेटा, परसेप्शन बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है। आप रिजिड मत रहो। बोला ना मैंने, जमीन से देखने वाले को मैंने एक बॉल यहां से फेंका, तो यहां फेंका वापस यहीं पे दिख रहा है। दूसरे प्लैनेट से देखने वाले को या ब्रह्मांड से किसी और पॉइंट से देखने वाले को सेम सेम। पानी को क्या लगेगा?
सुनो सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, पानी को क्या लगेगा, रात को क्या लगेगा, ओए रात को क्या लगेगा, यहां मिले थे वापस वही मिल रहे, जमीन को क्या लग रहा, यहां मिले थे क्योंकि उस मीन वाइल ये पूरा सेटअप क्या हुआ, आगे गया ना, पूरा पानी का पानी सेटअप क्या हुआ, ग्राउंड क्या हुआ, ग्राउंड मतलब ही पानी, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं करना है सिर्फ आंसर निकालने के लिए, नहीं, क्वेश्चन मेरे को बहुत सारा परसेप्शन डेवलप करके जाना चाहिए मेरे दिमाग में, बहुत सारे कंसेप्ट की क्लैरिटी देके जाना चाहिए, बहुत सारा विजुअलाइजेशन मेरा डेवलप करके जाना चाहिए, बहुत सारी थॉट प्रोसेस मेरे अंदर डेवलप करके जाना चाहिए। दिस शुड बी द व्हाट प्राइम मोटोस ऑफ द व्हाट सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, समझे। वैसा करते जाओगे तो अपने आपको बेटर वर्जन आपका पाते जाओगे एवरीडे, नहीं तो फिर क्या हुआ, सिर्फ आंसर निकालने के लिए, नहीं करना है क्वेश्चन, हो गया। आप सीख कितना रहे हो हर क्वेश्चन के बाद, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सिर्फ आंसर निकालना नहीं, हम उस क्वेश्चन से क्या क्या कंसेप्ट मैंने सीखे उसके ऊपर जोर देना सीखो, समझे। ओके, तूने यही किया था बेटा, हाँ, एनीवे, हो गया, आगे बढ़े, लिखना है, क्या लिखा, क्या करेगा इसको, इरिडो का पहला क्वेश्चन है बच्चों, हाँ देता बताता ना, मेरे को और कंसेप्ट लेना है उसके बाद, तेरा क्या चल रहा है, कंसेप्ट पीछे छूट रहे, क्वेश्चन आगे जा रहा है तू, और बेसिक बातें छूट रही है भाई, ये मत कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक बार वीडियो को पॉज करो।